अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बिहार के दरभंगा से मुंबई आए और यहाँ आकर अपने सपनों को बदलने की कोशिश की, हकीकत के रंग भरने की कोशिश की। उनके कठिन परिश्रम और लक्ष्य को पाने की जिद ने उनको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। शशिनाथ ठाकुर साल 1995 में बिहार की दरभंगा से मुंबई आए। कोई करियर प्लान नहीं होने की वजह से आपने शुरुआत के कुछ सालों में अपने भाई के साथ इंटीरियर डेकोरेशन का काम किया। ये काम आपको पसंद जरूर था पर मन में कई तरह के सवाल थे। आप कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे आपको मुंबई में नाम और सम्मान मिल सके। साल 2005 में आपकी मुलाकात LIC डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत अनिल झा से हुई, जिन्होंने आपको LIC के साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया। काफी सोच विचार के बाद आप LIC के साथ जुड़ गए। आज आप इस प्रोफेशन में सफलता पूर्वक अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। आपका हर वो सपना पूरा हो चुका है जो आपने कभी मुंबई आकर देखा था। तो ये कहानी है शशिनाथ ठाकुर की, जो बिहार के दरभंगा से आकर मुंबई बसे और किस तरह से मेहनत कर सफलता हासिल की। आइए जानते हैं उन्हीं से। शशिनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। थैंक यू। तो शशिनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बिहार के दरभंगा से मुंबई आए, मुंबई आकर आपने अपने भाइयों के साथ इंटीरियर का काम शुरू किया, तो ऐसे में LIC के साथ आपका जुड़ाव कैसे हो गया? मैडम, एक LIC के ब्रांच मैनेजर थे मिस्टर सुधांशु शेखर, उनके घर में इंटीरियर काम चल रहा था। तो एवरी संडे सैटरडे वो हमको वॉच करते थे। मैं कुछ काम करता नहीं था, सिर्फ काम करवाता था। फिर उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लेके हमारे जो अभी डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर अनिल झा जी, उनको दे दिए। अनिल जी हमको LIC की एजेंसी दिलवाया। उसके बाद उनका ट्रेनिंग चालू हुआ। सुबह 6 बजे उनका कॉल आता था, सुबह सोया के उठाए। फिर उनके बाद जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देना चालू किया, मैं ब्रांच में जाता था वहाँ पर और सब ट्रेनिंग दिए। उनके वजह से ही आज जो भी हूँ मैं, उनके वजह से ही हूँ। आज आप जितने कामयाब हैं उसकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को ही जाता है, क्योंकि मैं बॉम्बे में नया था, कुछ मालूम नहीं था, प्लान के बारे में मालूम नहीं था, LIC के बारे में मालूम नहीं था। जो भी सिखाए हैं पढ़ाए सब उनके वजह से ही हुआ। तो इन 12 साल के सफर में LIC और आपका साथ क्या जा रहा है? LIC का अच्छा साथ है, LIC के वजह से सब। और आज मेरे पास जो भी मेरा ये खुद का अपना ऑफिस है, मेरा घर है, गाड़ी है, जो भी है सब LIC के वजह से हुआ, LIC से मिला है। आप बताना चाहेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, या जो भी लोग LIC के साथ में एजेंट के तौर पर जुड़ना चाहते हैं, क्या ये प्रोफेशन उनके लिए सही है? बहुत अच्छा प्रोफेशन है मैम। हम तो बोलेंगे दुनिया में ऐसा प्रोफेशन को है ही नहीं जिसमें आप किसी को ये नहीं करना है। टाइम बाउंडिंग नहीं है, अपने टाइम के हिसाब से काम कीजिए, जितना पैसा चाहिए उतना आप कमा सकते हैं। ब्लैंक चेक आपके हाथ में LIC देती है, जितना लिखना है आप लिख सकते हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। इजी नहीं है काम, लेकिन मुश्किल भी नहीं, करेंगे तो पूरा ही है। जी, आपका कोई सक्सेस मंत्र? सक्सेस मंत्र हमारा एक ही मैडम, जो हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं, अगर क्लाइंट खुश हैं हमारे तो हम ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। उनको जो भी चीज़ जैसा चाहिए जैसा चाहिए, उनके टाइम के हिसाब से मैं सर्विस देता हूँ। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे बुलाते हैं, रात को 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे मेरे स्टाफ जाता है, स्टाफ नहीं रहता तो मैं खुद भी जाके करता हूँ। मैंने किसी भी कस्टमर को हम नाराज नहीं होने देते हैं, और कस्टमर हमारे खुश है तो हम ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। शशिनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत अनिल झा अभी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2। शुक्रिया आपका और शुक्रिया LIC का, जिसने मुझे जिन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं इस LIC को रिप्रेजेंट कर सकूं इस शो पर। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने मुलाकात करी शशिनाथ ठाकुर जो कि LIC के एक सफल एजेंट हैं, उनकी कहानी में हमने देखा कि आपने एक अहम भूमिका निभाई है, एक अच्छा रोल अदा किया है, तो ऐसे में आप उस सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शशिनाथ ठाकुर जैसे कि बाकी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, काफ़ी मेहनती, एक्सट्रीमली मेहनती हैं, बट जो द वन थिंग दैट सेपरेट्स हिम फ्रॉम द मेजॉरिटी इज़ ये पाशा फेंकते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द LIC एजेंट्स डेलीगेशन पे डिपेंड करते हैं, शशिनाथ ठाकुर डेलीगेशन से आगे निकल के ऑटोमेशन पे आ रहे हैं, और वक्त कम लगता है, काम ज़्यादा होता है सब उतने ही समय में। शशिनाथ को हालांकि 13 साल हो गए काम जो मेरे साथ और LIC के साथ जुड़े हुए, बट ही इज़ जस्ट 37, ही इज़ फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, एंड आई थिंक द बेस्ट ऑफ हिम शशिनाथ इज जस्ट बिगन नाउ। एक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है, किस तरह से जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो उसको संवारता है?
आई हैव सम स्ट्रेंथ्स एंड आई हैव सम ग्रे एरियाज, दे ऑल्सो हैव सिमिलरली, उनके भी कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, उनके भी कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, तो हो सकता है जो मेरे ग्रे एरियाज हों उनके स्ट्रेंथ होते हैं, और फिर इस तरह से हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के जहाँ मैं कम पड़ता हूँ वहाँ उनसे मैं हेल्प लेता हूँ. दिस इज़ हाउ आई सी देम एज पार्टनर्स इन प्रोग्रेस रादर देन यू नो बीइंग अ गुरु और शिष्य रिलेशनशिप. या अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप LIC के साथ 30 सालों से जुड़े हैं, तो ऐसे में आपका सफ़र LIC के साथ कैसा रहा? आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पता नहीं चलता कि 30 साल कैसे गुजर गए, और इन 30 सालों में मैंने, पैसा तो सेकेंडरी हो जाता है, कितना एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल कितना ग्रो करने का मौका मिला है मुझे, है ना, अपने आप को एंड इन टर्न द सोसाइटी, द एजेंट्स एंड ऑल द पीपल हुम आई हैव बीन एसोसिएटेड इन ऑल दिस 30 इयर्स विद LIC. जो हमारी यंग जनरेशन है या जो भी लोग आकर के LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो प्रोफेशन को अपनाएं या इसको अपने करियर के तौर पर अपना सकते हैं या नहीं? अभी तक इंडिया में बहुत लोग विदाउट इनकम टैक्स भरे हुए कुछ पैसा रखते थे. अब ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है इसके वजह से बहुत सारे लोगों को झकझोर दिया है इसने, एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरा गट फीलिंग ऐसा बोलता है कि आगे आने वाले 10 साल इज गोइंग टू बी अ गोल्डन ईयर फॉर ऑल दी फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड इंश्योरेंस एडवाइजर. या कुल मिलाकर आने वाले 10 सालों में इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी बूम आने वाला है, तो यानी कि एजेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है ये. अपॉर्चुनिटी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर हमारे सपने छोटे हैं तो हम अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं कर पाएंगे. तो अगर लोगों को सपनों की उड़ान भरनी है, और लोग अगर चाहते हैं कि ये जो सपनों की उड़ान है ये एवर लास्टिंग हो, तो लोगों को अपने सपनों के ऊपर काम करना पड़ेगा. जी अनिल जी, उम्मीद करते हैं जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या आपकी बात सुन रहे हैं, उनके सपने साकार हो सकेंगे और वो भी सपनों की उड़ान भर सकेंगे. अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. माय प्लेजर. LIC सपनों की उड़ान मुंबई के सफर में आज हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर सतीश मंजूरे और साथ ही अनिल झा से. इन्हीं के साथ हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के सफल एजेंट्स राजेश सातोस्कर और शशिनाथ ठाकुर से. उम्मीद करते हैं इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी सीख, और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ, दे सकते हैं अपने सपनों को उड़ान. इसके लिए किसी बड़ी पूंजी या बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है. अगर आप 18 साल के हैं और 10वीं पास हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ. इसके लिए आपको करना होगा एक SMS LIC एजेंट सिटी नेम और भेज दीजिए 5676-7474 पर. इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं. तो फिर क्या, बस जुड़ जाइए LIC के साथ और तय कीजिए आपको कितना कमाना है, क्योंकि LIC में है sky's the limit. मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार.